क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। आज मेरा आने का मतलब क्या है आपको समझ जाइए। मैं चाहता हूँ कि आप उनके घर तक पहुँचूँ, आपके मसले सुनूँ और उसको कैसे हल करना है कोशिश करूँ। जैसा आप जानते हैं इमरान ने कुछ मसाइल बोले हैं, इंशाल्लाह ताला उन्हें लिख के दे देंगे। वो मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह आपको इमरान भाई को सबको रोशनी में रख के वो काम करेंगे और आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि दो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे TRS और कांग्रेस, अपना अपना वादा कर लिए है कि भाई हम जीत जाएंगे तो हम ये चीज प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस जीती तो कांग्रेस को प्रोवाइड करना है, अगर BRS जीती तो BRS को प्रोवाइड करना है। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स रहेंगे वो स्कीम्स हम आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी रहने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखें, ना हम हमारे पास से दे रहे ना कोई आपको दे रहा, सरकार की स्कीम है, सरकार को देना जरूरी है। इमरान भाई जो पॉइंट बोले बिल्कुल सही बात है, अपन उसके ऊपर नुमाइंदगी करेंगे। अगर हमको लिख के देंगे तो ये चीज हम इंशाल्लाह ताला अकबर साहब के थ्रू या मजबूत के डायरेक्ट असेंबली में उठकर ऑन रिकॉर्ड लाकर बोलूंगा कि भाई जब हर कम्युनिटी का आप ध्यान कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी में कुरैश बरादरी है उसके तालुक से भी सोचना चाहिए। आज हालात ऐसे हुए हैं कि उन लोगों को काम कारोबार की काफी तकलीफ है। लोग समझते हैं कि कुरैश बरादरी के अंदर दो चार जो बड़े लोगों के नाम लेते हैं तो शायद पूरी की पूरी बरादरी खुशहाल है या इंशाल्लाह। आप जितने भी मसाइल इब्राहिम भाई बोले मैं आपसे अदबर गुजारिश करूंगा कि ये पेपर पे लिख के कॉपी आप अगर मेरा पे भी दे दिए तो इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके जिस तरीके से आप लोगों के जो भी मसाइल है वो जल्द से जल्द, अभी रास्ते में भी हम खुद आते आते देख रहे थे रोडों की हालत, ड्रेनेज का पानी भरा सो, गंदा पानी आ रहा सो, जो जो भी बोले मेरा भाई हमारे इब्राहिम भाई इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द। और सबसे पहली चीज जिस तरीके से लोन BC लोन्स जो धोबियों को हर कम्युनिटी वालों को मिला है तो कुरैश बरादरान को भी वो लोन दे सरकार हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह जो जो भी चीजें वादे किए गए थे इलेक्शन में वो हर चीज आप लोगों के घर तक दहलीज तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह यहां से हमारी रहेगी। वो स्कूल को लेकर आए तालाब कट्टे पे डाल दिए, परसों एक दो महीने पहले ये कमाई क्षेत्र में एक स्कूल था उसको उठा के गए थे, लेके आए थे मुर्तजा नगर में डाल दिया। और जो है यहाँ एरिया में छोटे बच्चों को जो है खेलने के लिए कोई सहूलत नहीं है, औरतों के लिए औरतों को जो है डांस से वो हैरान हो जा रहे हैं, डीपियां हो जा रहे हैं, एक कमरे में घर आया चलते देखे तो देखिए तो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं, बस बस पावा धुल के भी जिंदगी गुजारने वाली औरतें तकरीबन जो है तो यानी गुरबत से नीचे का एरिया है, कोई उन लोगों को फैसिलिटी नहीं है। और गोश्त के दुकाना वाले लोगों को सब कर्जा मिल रहा है, हमारे कोई कर्जा नहीं मिला रहे और धोबियों को 200 जो है यूनिट फ्री में मिल गए, हमारा कोई पूजा यहाँ नहीं है। ये ऐसे जो है ये तकरीबन छोटे छोटे मसाइल। अब यहाँ देखिए आप कब्रिस्तान की दीवार गिर गई, बाजू कब्रिस्तान की दीवार गिर गई, आज से मैंने 8 बजे होगा नुमाइंदगी कर रही, कोई ये सब पूछने वाला नहीं। उन्होंने बोले तो उनको बोलते थे, उन्होंने बोले तो मेरे साहब को लाके जगह मुहैया कराए, कुछ भी काम नहीं।